देखना पता चल जाएगा। सो हमने डिसाइड किया है हम पैदल चलेंगे, यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर दूर है और ऐसा रास्ता है कुछ तो काफी तो चल पड़ा है भाई, मैं तो जा रही हूँ। हाँ तो उसी से आ, कहने के लिए तो हम पहाड़ी हैं बट बहुत दिनों बाद जब ट्रैक करो तो ऐसा ही होता है। तो देखिए रास्ता खतरनाक, क्या हम चल पाएंगे? बिल्कुल चल पाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी मैं मिस कर रहा हूँ अपने बडीज़ को अजीत और शशि, क्योंकि हम लोग ऐसा ट्रैकिंग करना चाहते थे बहुत दिनों से। बट मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि उसे चलना है बट उसने मना कर दिया। उस पॉइंट पे हम यहाँ आ चुके हैं। मैंने सुबह से बस एक मैगी खाई है और कैलोरी बर्न करने के लिए मुझे बहुत कैलोरी ज़्यादा कम लिया और बर्न ज़्यादा हो जाएगी, सही है, पतला हो जाऊँगा। 81 हो गया था वेट, मैनेज किया, 74 पे आया, फिर साला 78 हो गया, अब अपने आप कम हो जाएगा। नज़ारा देखो, हवा नहीं हूँ एक्चुअली पर मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हूँ ताकि फील ना हो। अगर आप चाहें तो मैं अपनी सांस रोक भी सकता हूँ 15 मिनट तक। रोड से आ रही है, वो गुम हो जाएगी बच्ची है, कोई फोन नहीं उसके पास, मेरा फोन है वैसे तो। अभी देखा आपने मैंने चिल्लाया, हापा नहीं, थका नहीं मेरा दोस्त, मैं थकता नहीं। रोड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट रहता है बट खड़ी चढ़ाई है, कतई खड़ी, मतलब एवरेस्ट फेल है। तो यहाँ आओ, एवरेस्ट को फेल कर जाओ। मैं एवरेस्ट गया नहीं हूँ, देखा है मैंने बस, ये तो खड़ी चढ़ाई नहीं है। चलने के लिए तो मैं 50 किलोमीटर चल जाऊँ बट थैंक्स टू माय शूज़, मैं पहले सोच रहा था बूट्स पहनने की बट अच्छा हुआ मैंने मेमोरी फॉर्म पहन लिया जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं चल भी रहा हूँ, ऐसा लग रहा मैं उड़ रहा हूँ, हवाओं से बातें कर रहा हूँ। ये पता नहीं कितना लंबा ब्लॉग होगा बट जितना भी होगा ना डाल दूँगा, क्लियरिटी उतनी ज़्यादा सही नहीं होगी मे बी। ये देखो अभी साला एक कार वाला था उसको खड़े होके खा रहे थे, कान के पीछे आके हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न कर रहा है। मैंने बोला भैया मत बजाओ, कहते तुझे ज़्यादा वो हो रही है, एक रीज़न था चुप रहने का बस, सिस्टर साथ में आई है, सिर्फ भाई भी होता ना तो उसको मिल। तो मैं कहाँ पे था, हाँ हॉर्न वाली स्टोरी, मैंने बोला भैया हल्के बजाओ, फिर मैं उसको देता ईंट का जवाब पत्थर से, हाँ ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी बट बड़े स्ट्रॉन्ग देख लिए मैंने भी अपनी लाइफ में थक थक के। इस चीज़ को मेरे दोस्त लोग रिलेट कर सकते हैं यार, ओह कल मैंने अपना पूरा डाटा फूंक दिया, क्यों साला एक वीडियो अपलोड कर रहा था, ज़्यादा भारी हो गई होगी मे बी, वो 4K में डाल दी थी, वो अपलोड होते होते मेरा 1.5 GB डाटा गया, फिर मैंने स्विच किया सिम, ठीक है, और फिर पता नहीं हुआ जियो चल नहीं रहा यहाँ पे, सॉरी जियो का थोड़ा
ब्रांडिंग नीचे हो जाएगी, बट हाँ लिटरली यहाँ जियो नहीं चल रहा दोस्तों, यहाँ पे जो चल रहा है वो है एयरटेल और अच्छी स्पीड दे रहा है फिलहाल तो। कभी कभार एयरटेल भी धोखा देता है, कभी कभार जियो भी धोखा देता है, दोनों एक हवा कसम से। ये जो देख रहे हो पेड़ हिल रहे हैं, सॉरी है, जो पौधे हो गए हैं हिल रहे हैं, अल्टीमेट हवा है, वंडर। ये देखो कितनी पतली सड़क है, सड़क मतलब रास्ता है, सड़क मूवी देखना बड़ी मस्त है, सॉरी मुझे गाली मत देखना देखने के बाद, बट देखना चाहो देख लेना, मुझे पता नहीं मैं रास्ता ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ कि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। मैक्सिमम टाइम लिमिट, ये टैंक बना हुआ है, पता नहीं क्यों बना हुआ है, कोई तो रीज़न होगा, खोल के देखना पड़ेगा उसके लिए, या फेंसिंग की हुई है। ओह चीता भी आ सकता है मुझ पर अटैक करने के लिए, बट मैंने अपनी गर्दन कवर करी है मास्क से, बेतु की बात है मुझे पता है, अरे मेरे दोस्त होते तो करेक्ट करते मुझे कि क्या बचड़ मचा रखी तो नहीं। एक्चुअली दोस्त क्या भाई बहन भी रहे, उंगली करते रहते हैं। तो दोस्त यार मैं दिखाऊं कहाँ से, ओहो मेरी वॉच बता रही है मैं काफ़ी वॉक कर चुका हूँ, एक बार देखें कितनी वॉक कर चुका हूँ, इस गड्ढे से बच के रहना रास्ते में, अब चल सकते हैं, एक डिसेंट ट्रैक है ये चलने के लिए, मतलब जो थोड़े कम ट्रैक करते हैं या फिर जिनको थोड़ा इशू होता है वो इस ट्रैक को कर सकते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट टू वेयर अपोट गुड शूज। ताकि मज़ा आए ट्रैक करने में, एक्चुअली मैंने यही फील किया है, सफ़र का मज़ा है, मंजिल तो वैसी है जैसे सब दिखा देते हैं। हाँ फिलहाल मैं वहाँ भी जाने वाला हूँ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए, पर देखते हैं कैसे, हम अभी तक नीचे थे काफ़ी, एक पहाड़ कूद ही चुका हूँ मैं, आई मीन हनुमान तो नहीं हूँ बट हाँ चल चुका हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली, बट हाँ ये रास्ता आपको एक टैंक दिखाया है, एक गड्ढा भी आता है, अगर मैं सही रास्ता जा रहा हूँ तो वो रास्ता पकड़ना चाहिए आपको, बट ये रास्ता आगे से बंद है, बंद है, अबे यार यहाँ के बंदे थोड़े खतरनाक होते हैं एक्चुअली, क्या करूँ क्या क्या करूँ, चलो बंदर है। रास्ते में बैठा हुआ है, ये पेड़ हुआ है ना, पेड़ पर बैठा है, तो मोबाइल थोड़ा ज़्यादा तेज पकड़ना पड़ेगा टाइट से, ताकि बंदर मेरे हाथ से ना छीन पाए, क्योंकि यहाँ के बंदर थोड़े शरारती हैं, नॉटी टाइप्स के, जो काटते भी हैं और सामान भी छीन लेते हैं, चश्मा भी छीन सकता है मुझे पता है, बट एक अकेला बंदर ना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो झुंड से निकला हुआ है, अग्रेसिव हो सकता है, समझ रहे हो, और वो पेड़ पे बैठा हुआ देखो अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा जूम करता हूँ रुको, क्रॉप कैप्चर कर रहा हूँ मैं, आपके सिर से काट लूँगा, वो देखो ये बैठा हुआ है, चीता है ये चीता, एक्चुअली बंदर ऐसे ऐसे तो नहीं झपट सकता है, बट हमें और एक तो हम प्लेन में भी नहीं बच के रहना है बंदर से, क्योंकि जंगली बंदर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यही जंगल का राज है अभी, हम तो नहीं है ये, अभी दिखाऊंगा नहीं, अगर उसमें पता चल गया कि मैं दिखा रहा हूँ तो मेरे ले लेगा, आई मीन मेरे को काट देगा, देखो थोड़ा सा करेजियस होना पड़ता है आपको, करेज चलानी पड़ती है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये कौवा काऊ काऊ कर रहा है समझ रहे हो, तो आगे भूत भूत भी हो सकता है, वो तो नहीं चिड़िया चहचहाती है मतलब बाघ आ सकता है,
अच्छा बाघ से पंगा हो सकता है ना। हाँ ये खंडर, ये खंडर है, खंडर नहीं मंदिर शायद, शायद शायद ये मंदिर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है हम ना सड़क के पीछे आ गए। इधर बहुत सारे बंदर हैं। अच्छा तो ये पाइप जा रही है, ये देखो, अगर इस पाइप तक पहुंचते हो आप तो समझ लो सही रास्ता है। नहीं नहीं अभी रास्ता सही है गलत है मुझे भी नहीं पता, मैं बस चल रहा हूँ मज़े लेने के लिए। एक्सप्लोर करते हैं। अरे वो रे हनुमान जी दिख गए, जय हनुमान। अरे भैया सही पहुंचे कहते, ये देखो समझ रहे हो आप, रास्ता बिल्कुल सही था अंदाजे से, काफी जल्दी पहुंचे मेरा अंदाजा जो है शायद 15 मिनट भी नहीं लगे, मेरा अंदाजा सही था, बट जो रियल ट्रैक है वो रहा। भाई मंदिर की वीडियो कैप्चर नहीं, तू कैप्चर करना तो आगे चला जा, तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, जा। अच्छा अपना वीडियो बना रहा है, मेरे मजे ले रहा है वो रहे। इधर बहुत सारे बंदर हैं भाई, बहुत सारे। मंदिर के लिए ट्रैक और ऊपर है, बट मुझे अपनी बहन को देखने जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, एक बाहर एक भाई का परम कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अच्छा आप अगर ये टूटी देखते तो आप सही रास्ते पर, एक्चुअली मंदिर दिख चुका है तो सही रास्ते पर है ही। वाओ हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ 1309 स्टेप चले हैं और भाई साहब हम बताएं आपको हम पहुंच चुके हैं। ओह हो पानी है, ये पुल अप करने जा रहा है, 1 2 5 तक मार पाएगा क्या फौजी हमारा, 3 4 5 5 मार लिए इसने, थकना नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से बात करूंगा अभी, फिर से वही कर रहे हैं। हाँ ये तो मेरे बिल्कुल पकड़ में आ गया, पूरा जा ही नहीं रहे, पूरा जाओ ये देख सर नहीं आ रहा ना उनका, मैंने गलत जगह से लिया, पूरा जाओ पूरा, भैया शोल्डर है इनको भी उठाना पड़ता है, मुझे मत सिखा।